खबर जोधपुर से, जहां अशोक गहलोत के गृहनगर की पुलिस एक बार फिर चर्चा में है। इस बार जोधपुर पुलिस की संवेदनहीनता चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एसपी ऑफिस प्रताप नगर के बाहर एक शव जो संभवतः किसी वाहन द्वारा दुर्घटना में मृत व्यक्ति का था, एसपी ऑफिस के बाहर शव होने के चलते एसपी ऑफिस के कर्मचारी वहां पहुंचे और उन्होंने शव को एक कचरे की गाड़ी में डालकर अस्पताल पहुंचाया। इस कचरे की गाड़ी में घर घर जाकर कचरा इकट्ठा किया जाता है और उसी में पुलिस ने शव को रखवा दिया और फिर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। जब यह बात पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी कि आखिर जवानों ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की। एसपी प्रताप नगर प्रेमधन ने कहा कि पाल रोड पर यह घटना हुई थी, उसके बाद शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जी मैम, सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, यहाँ आपके कार्यालय के बाहर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उसके शव को कचरा गाड़ी में रखे जो अस्पताल भेजे गए। पाल रोड पे हुआ है एक्सीडेंट, मेन रोड पे, और सिटी बस पे हुआ था एक्सीडेंट, ये जानकारी में आया था। और जैसा कि आप बता रहे हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आई है, तो जो है इस मामले में जाँच प्रारंभ की गई है और उसके साथ में जो चीज़ सामने आएगी उसके साथ बता रहे हैं। हाँ, जानकारी में आ चुका है, व्यक्ति जो है वो बिलाड़ा का रहने वाला है, सेवाराम प्रजापत है, उनके परिजनों को सूचित किया जा चुका है, वो आ रहे हैं और जो सिटी बस है उसको भी चेंज करेंगे। मजदूर है, अभी तक तो यही जानकारी है, अभी फैमिली वाले आ जाए तो और क्लियर हो जाए। सेवाराम प्रजापत।